नमस्ते एंड हेलो सभी को, दिस इज अंकिता और ये है मेरा यूट्यूब चैनल डलहौज़ी मेरी नज़र से। अब डलहौज़ी जो है, डलहौज़ी है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, हिमाचल प्रदेश में एक हिल स्टेशन है, काफ़ी पॉपुलर है और ये मेरा होम टाउन है एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। आजकल तो बर्फ़ गिर रही है तो बिल्कुल ही जन्नत की तरह दिख रहा है, अभी भी छोटी छोटी बर्फ़ गिर रही है। ये मेरा पहला व्लॉग है और मैं गिर पड़ रही हूँ, बहुत बर्फ़ गिर रही है एंड इतनी सुंदर लग रहा है कि आई थॉट आप सबको भी दिखाना चाहिए कि कैसे हमारा डलहौज़ी इतना सुंदर लगता है ऐसे में। तो पिछले 2 दिनों से काफ़ी बर्फ़ गिर रही है तो आज तीसरा दिन है और ऑलमोस्ट 4 फीट हो चुकी है। इतनी लगती नहीं है देखने में क्योंकि दब जाती है थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे गिरती रहती है बर्फ़, पर बहुत ज़्यादा है। आप अगर देखेंगे तो उन पीछे छत पे देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ है और जिस पे मैं चल रही हूँ नीचे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मोटी लेयर है और नीचे भी बहुत मोटी है और जो ये है ये तो बहुत ज़्यादा है, मेरे मतलब मेरे थाइस से भी ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। सो मैंने इस होप से ये चैनल बनाया है कि आप सभी को मैं दिखा पाऊँ कि कितना अच्छा लगता है ऐसे में यहाँ पे जब गिर रही होती है बर्फ़, तब तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता भी है जब गिर रही होती है, उसको देखने में बहुत मज़ा आता है। थोड़ा बाद में डिफ़िकल्टीज भी रहती हैं क्योंकि बिजली नहीं है पिछले 2 दिनों से, आ रही है जा रही है, बीच में पानी की भी दिक्कत हो जाती है कभी कभी बीच में, और अगर कहीं जाना हो ऐसे में हॉस्पिटल या कहीं तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है और मैं बहुत आगे भी नहीं जाऊंगी यहाँ से क्योंकि बर्फ़ अगर मेरे सिर पे गिरी तो फिर तो हो जाएगी मुसीबत। सो चलिए मैं आपको रूबरू करवाती हूँ डलहौज़ी से। हर चीज़ जो है वो बर्फ़ की चादर से कवर हो चुकी है एंड नॉट जस्ट चादर, बहुत मोटी चादर। बहुत मुश्किल है चढ़ना इसे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचती हूँ मैं। Look at those two cuties. देखो कैसे बैठे हैं इंतजार में कब भी बर्फ रुकेगी, पर बर्फ है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। देख सकते हैं आप वहाँ वो पीछे है गंजी पहाड़ी जो कि अभी पूरी धुंध से कवर्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और इस वक्त तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ हो गई। ये देखो कैसे बर्फ़ गिर रही है ऊपर से, बेचारा डॉगी भी डर गया। ओह माय गॉड, मुझे नहीं लगता मैं इससे आगे जा पाऊंगी। जस्ट लुक एट दैट, मुझे तो डर लग रहा है कि मेरे गैस। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि बर्फ़ में क्या कर लेना चाहिए क्योंकि बर्फ़ बार बार तो गिरती नहीं है, पर तभी कीजिए जब आपके साथ कोई आपको बर्फ़ से निकालने वाला भी हो। सो गैस अब घर की ओर चलना चाहिए, ये मेरा व्लॉग आज इतना ही होगा।